नमस्कार, मैं हूं आसिद राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। और आज हम इस समय मौजूद हैं कन्नौज में और हमारे साथ मौजूद हैं अनुभवी व्यापारी कटियार साहब मौजूद हैं और हसन ट्रेंडिंग कंपनी की तरफ से भी मौजूद हैं। तो इन लोगों से हम बात करेंगे आज कि क्या आलू का इस समय मतलब रेट चल रहा है, अगर हम बात करते हैं आलू के भाव पे और बात कर लेंगे आलू के कुछ भविष्य पे भी, थोड़ी चर्चा कर लेंगे किसानों के लिए क्या राय है, कितनी क्या आलू की निकासी हो चुकी है इस समय प्रेजेंट टाइम, जो कोल्ड स्टोर है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। पहले नाम बता दिया कटियार। अच्छा कटियार साहब, हम जानना चाहेंगे कि अपने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में कितनी निकासी हो चुकी है कोल्ड स्टोरों में। अब कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है अपने, इनको बता सकते हैं 40,000। तो मतलब कैपेसिटी कितनी है यहाँ की? यहाँ 2 लाख। अच्छा, मान के चले तो वही करीब 10-20% मतलब निकल गया। अच्छा, आलू का भाव अगर हम जानना चाहें तो कौन सा आलू जो ऐसा है जो सबसे अच्छा टॉप का आज रेट? अब ये है कि आईलैंड सिसोना दो आलू बड़े। आईलैंड का क्या रेट है? आईलैंड 400, 450, 450। और चिसोना का? चिसोना 500 रुपया, 480, 450 जैसे आलू। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कोई भाव में कुछ उतराव चढ़ाव देखने को मिला क्या? हाँ, ये है, पहले 400 का बिकता था, 450, फिर 500 का हुआ। अच्छा, बारिश के चलते क्या लगता है आलू के भाव में बढ़ाव मतलब और कुछ होगा क्या? देखो ये कोई जानकारी नहीं है, ये जानकारी नहीं है। अच्छा। चलो अब हम बात कर लेते हैं। भैया बताइएगा क्या लगता है आलू के भविष्य पे? आलू भविष्य भैया ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। नहीं लेकिन भविष्य तो हालांकि नहीं कोई बता सकता है, लेकिन अगर अनुभव के तौर पे अगर देखें तो हम तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आलू बेचना अच्छा है भैया, बेचना अच्छा है। अच्छा, बारिश के चलते क्या लगता है कि आलू के भाव में आगे आने वाले समय में अगर बारिश होती रही बराबर, तो जैसे कि हरी सब्जियां हमेशा अपना अगर देखें कुछ एक महीने से अपनी रफ्तार पकड़े हुए भाव में, तो क्या लगता है आलू और महंगा होने का चांस है? हाँ, आलू अगर बरसात होती रही तो आलू बराबर बढ़ता ही चला जाएगा, इसे किसान को निकालना चाहिए। अच्छा, जो किसान सोच के बैठे हुए हैं कि अभी हम नहीं बेचेंगे, मान के चलो कि दीपावली के साइड बेचेंगे या फिर आलू का भाव बढ़ेगा, तो किसी किसान का मान के चलते हैं कि एक 1,000 पैकेट अगर पड़ा है तो उसको कितना आलू बेच देना चाहिए जिससे उसको लंबी चपेट ना पाए? आधा आलू बेचना चाहिए, 50% आलू बेचना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा या तो उड़ जाएगा। अच्छा। नहीं लेकिन अच्छा अनुभव अगर हम देखें जो किसान भाई वाकई में सोच रहे हैं, कई किसान ऐसे हैं वो बर्बाद होने के लिए तय रहते हैं कि मतलब हम अभी नहीं बेचेंगे, अभी हम रुकेंगे और बाद में, लेकिन तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल कभी 10 साल में एक दफे लास्ट भाव मिलता है, 9 साल आलू लास्ट फेंकता है, तो समझदारी यही है कि आलू जो है आधा बेच लें।